ग्रामीण स्तर तक मजदूर तबके को रोजगार मुहैया कराने के नाम पर शासन लाख दावे पेश करे, लेकिन जमीनी स्तर पर ये दावे खोखले ही साबित होते दिख रहे हैं और मजदूर काम की तलाश में पलायन करने को आतुर दिख रहे हैं। दरअसल खरगोन जिले के भगवानपुरा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की ग्राम उमरिया एवं ग्राम नादिया पंचायत के आदिवासी मजदूर रोजी रोटी की तलाश में अब घर से पलायन करने को मजबूर दिख रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल लॉकडाउन में मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए शासन ने बड़े बड़े दावे पेश किए, लेकिन जमीनी हकीकत को देखा जाए तो काम किसी को नहीं मिला, जिससे परेशान मजदूर परिवार के परिवार लालन पालन के लिए गांवों से पलायन करते दिख रहे हैं। इस दौरान मीडिया से चर्चा में ग्रामीण मजदूर ने बताया कि हमें पंचायत स्तर पर मजदूरी नहीं मिली और अब स्थिति ऐसी आ गई है कि पेट की आग बुझाने के लिए पलायन करना पड़ रहा है। बहरहाल स्थिति को देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि शासन के खोखले दावे केवल शासकीय रिकॉर्ड की शोभा बढ़ाकर आम जन को मुंह चिढ़ाते दिख रहे हैं। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। अभी तुम कहाँ कहाँ मजदूरी करने के लिए कहाँ जाओगे? अभी कानापुर जा रहा। कितने लोग हैं? 30 जन है। तो वहाँ पर क्या मजदूरी करोगे? कपा चुनेंगे और कापा चुनेंगे, कहीं मिर्ची चुनाएंगे, वो काम धंधा करेंगे। तो पंचायत वालों ने तुम्हारे को कोई काम का बताया नहीं? नहीं कोई बताया। कौन सी पंचायत लगती तुम्हारी? अमरा उमरा उमरिया पंचायत। उमरिया को सरपंच वगैरह किसी ने नहीं बताया? कुछ नहीं बताया। अब ये तुम कब लौटोगे वहाँ से? वहाँ से मजदूरी से कब लौटोगे? 25 सोयाबीन काटना है। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।